मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। पिछले लेक्चर्स में दोस्तों हम लोगों ने फोर लूप का जिक्र किया, फोर लूप को अच्छे से समझा, जाना, परखा, उससे जुड़े हुए अलग अलग एग्जाम्पल्स भी किए। अब बारी आती है दोस्तों अगले लूप की, जिसको कहते हैं व्हाइल लूप। जैसा कि यारो आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं, हमने ये व्हाइल लूप का सिंटेक्स लिखा है। सिंटेक्स बोले तो वो छोटी छोटी पर मोटी बातें जिनका ध्यान हमको रखना होगा जब कभी भी हम प्रोग्राम के अंदर व्हाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे दोस्तों इस तरह से व्हाइल। ये जो व्हाइल है ये पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में होता है और ये दोस्तों एक कीवर्ड है। कीवर्ड बोले तो ऐसा वर्ड जिसका कि मतलब कंपाइलर को पहले से ही पता होता है। तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कीवर्ड है व्हाइल। फिर ये लिखने के बाद हम लगा देंगे कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के बीच में होगा एक एक्सप्रेशन। फोर लूप के अंदर दोस्तों तीन एक्सप्रेशन होते थे। पहले हम लिखते थे फोर, फिर पैरेंथेसिस के अंदर होते थे तीन एक्सप्रेशन जिनके बीच में सेमीकोलन से हम उनको सेपरेट कर दिया करते थे। पर व्हाइल लूप के अंदर पैरेंथेसिस के बीच में सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन हम लिखते हैं और ये एक्सप्रेशन इस व्हाइल लूप के चलने की कंडीशन को तय करता है। तो यहाँ पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्हाइल लूप की कंडीशन को हम यहाँ पर लिखते हैं। जब तक यहाँ लिखी हुई एक्सप्रेशन से वैल्यू इवेल्युएट होकर ट्रू आती रहेगी तब तक ये व्हाइल लूप दोस्तों नाचता रहेगा, ये व्हाइल लूप चलता रहेगा। फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को हम कर देंगे ओपन और जिन जिन भी इंस्ट्रक्शंस को हम व्हाइल लूप के थ्रू रिपीट करना चाहते हैं उनको हम इस व्हाइल लूप के ब्लॉक के अंदर लिख देंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों हमने सिंटेक्स में स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री कुछ इस तरह से लिखी हुई है। इनका मतलब ये है कि जिन जिन भी इंस्ट्रक्शंस को हम व्हाइल लूप के जरिए रिपीट कराना चाहते हैं उनको हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के ब्लॉक के बीच में लिख दिया करेंगे। आओ यारो इस एग्जाम्पल के जरिए हम व्हाइल लूप की वर्किंग को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर आप इस प्रोग्राम को देखें दोस्तों, एक छोटा सा हमने प्रोग्राम लिखा है तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है आई नाम का। तो ये जो आई है ये हमारे व्हाइल लूप के काउंटर वेरिएबल की तरह हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा मेमोरी में आई नाम का वेरिएबल बन जाएगा। सी एल आर एस सी आर हमारी इस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, हम मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। अब दोस्तों यहाँ पर आई की वैल्यू को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ आई की वैल्यू हो गई दोस्तों जीरो। फिर इसके बाद कंट्रोल यहाँ आएगा। अब दोस्तों जैसे ही कंट्रोल यहाँ आया, जैसे ही उसने व्हाइल की वर्ड देखा, कंट्रोल आगे गया, इस पैरेंथेसिस में पहुंचा और इस पैरेंथेसिस के अंदर लिखे हुए इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया। तो दोस्तों ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के ट्रू होने पर ये व्हाइल लूप यहाँ पर चलने वाला है। तो आई की वैल्यू दोस्तों इस वक्त है जीरो, जीरो लेस देन और इक्वल टू थ्री कंडीशन ट्रू होती है, इसीलिए कंट्रोल इस व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही कंट्रोल व्हाइल लूप के अंदर आएगा इस प्रिंटएफ को एग्जीक्यूट करेगा और जैसे ही ये प्रिंटएफ एग्जीक्यूट होगा आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा बी काइंड और स्लैश एन कर्सर को अगली लाइन में टिका देगा दोस्तों। फिर इसके बाद यहाँ से आई प्लस प्लस हुआ, जैसे ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ आई की वैल्यू जीरो से बढ़कर हो जाएगी वन, तो आई की वैल्यू में एक का इजाफा हो गया मित्रों। अब जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट एनकाउंटर होगा कंट्रोल सीधा यहाँ से वापस व्हाइल लूप की शुरुआत में चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ लिखी हुई कंडीशन को फिर से चेक करेगा। अब आई की वैल्यू वन है, वन इज लेस देन और इक्वल्स टू थ्री कंडीशन होती है ट्रू, कंट्रोल फिर से अंदर आएगा, इस प्रिंटएफ को एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा बी का एंड। फिर आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू में एक का इजाफा, I की वैल्यू हो जाएगी टू, फिर कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट को इनकाउंटर करेगा और यहाँ से फिर से लूप के शुरुआत में जाएगा, फिर इस कंडीशन को चेक करेगा। अब I की वैल्यू है टू, टू लेस देन और इक्वल्स टू थ्री कंडीशन है ट्रू, कंट्रोल अंदर आएगा, इस प्रिंटएफ को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट हो जाएगा बी का एंड।
फिर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, आई की वैल्यू में एक का इजाफा होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों यहाँ से 3। और कंट्रोल इस क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को यहाँ से इनकाउंटर करेगा और वापस लूप की बिगिनिंग में चला जाएगा। कंडीशन है ट्रू, कंट्रोल अंदर आया, फिर से प्रिंट एफ एग्जीक्यूट हुआ, प्रिंट हुआ बी का इंट, फिर आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, आई की वैल्यू में एक का इजाफा हुआ, 3 से बढ़कर आई की वैल्यू हो गई है अब 4। फिर कंट्रोल वापस लूप के बिगनिंग में आया। अब दोस्तों ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि 4 लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो 4 ना 3 से छोटा है ना 3 के बराबर है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी व्हाइल लूप यहीं पर थम जाएगा, रुक जाएगा और सीधा कंट्रोल व्हाइल लूप के बाहर आ जाएगा। और व्हाइल लूप के जब बाहर आएगा तो ये जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है व्हाइल लूप का, इसके जस्ट आगे लिखे हुए इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है गेट सी एच और फिर प्रोग्राम हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगा 4 बार बी का इंट। आओ यारो अब हम देख लें कुछ सिमिलरिटी कि फोर लूप और व्हाइल लूप किस तरह से एक दूसरे के सिमिलर हैं। यहाँ पर फोर लूप में दोस्तों 3 एक्सप्रेशंस हुआ करते थे और इन 3 एक्सप्रेशंस में अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एक्सप्रेशन होता था, यहाँ हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे, काउंटर वेरिएबल को, यहाँ वो कंडीशन लिखी होती थी जिसके ट्रू होने पर लूप चलता था और यहाँ हम काउंटर वेरिएबल में जो भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें करना होते थे हम वो यहाँ कर दिया करते थे। व्हाइल लूप के अंदर अगर आप देखेंगे तो पैरेंथेसिस के बीच में सिर्फ हम एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि इस व्हाइल लूप के चलने की कंडीशन को तय करता है। तो यहाँ हमको जो काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने वाला पार्ट था वो हमने व्हाइल लूप के आगे बने पैरेंथेसिस में नहीं किया दोस्तों, हमने वो व्हाइल लूप से पहले ही कर दिया था। तो ये हमारे काउंटर वेरिएबल को हमने यहीं इनिशियलाइज कर दिया, जबकि फोर लूप में हम यहाँ भी इस काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते थे। फिर काउंटर वेरिएबल की वैल्यू में हम एक का इंक्रीमेंट करना चाहते थे तो फोर लूप के अंदर तो हम काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ भी बढ़ा सकते थे एक्सप्रेशन 3 के अंदर, पर व्हाइल लूप के अंदर यहाँ हमारे पास एक्सप्रेशन 3 लिखने की व्यवस्था नहीं है इस पैरेंथेसिस के बीच में, तो हम व्हाइल लूप के अंदर ही ब्लॉक के अंदर ही यहाँ पर इस काउंटर वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा दिया करते हैं। तो एक तरह से ये जो एक्सप्रेशन था हो गया दोस्तों ये वाला, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन हो गया दोस्तों ये वाला, हम इन पर सर्कल बना देते हैं ताकि आपको क्लियरली ये नजर आ जाएंगे, और ये जो एक्सप्रेशन है ये हो गया दोस्तों ये वाला एक्सप्रेशन। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे एक फोर लूप को एक व्हाइल लूप के साथ, इन दोनों ही प्रोग्राम्स का एग्जैक्टली सेम आउटपुट यहां पर आने वाला है। तो दोस्तों मेरी आपसे अब ये गुजारिश है कि जिन प्रोग्राम्स को हमने फोर लूप के जरिए बनाया था कभी, उन सभी प्रोग्राम्स को, उन सभी एग्जांपल्स को अब आप व्हाइल लूप के जरिए बनाने की कोशिश करिएगा। इससे व्हाइल लूप की प्रैक्टिस करने में आपको मदद मिलेगी। तो यारो इस तरह से हमने व्हाइल लूप को जाना, समझा और परखा, उसके सिंटेक्स को हमने समझा, फिर एक छोटे से एग्जाम्पल के जरिए किसी प्रोग्राम के अंदर व्हाइल लूप को कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं ये भी हमने जानने की कोशिश की, और फिर हमने ये भी देखा कि एक फोर लूप और व्हाइल लूप में किस तरह की सिमिलरिटीज हैं और सिंटेक्स में किस तरह के छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों इस लेक्चर को अब हम करते हैं यहीं पर एंड। आप सभी से मैं चाहता हूँ इजाज़त, होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आपका तहे दिल से शुक्रिया।